प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। धार जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडव नगरी में इस वर्ष भी 4 दिवसीय परंपरागत मांडव उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल से 1 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ साहसिक खेलों का आयोजन भी किया जाएगा। मांडव उत्सव के माध्यम से नृत्य, गायन और वादन की समृद्ध शास्त्रीय और पारंपरिक लोक कलाएं देश के सुप्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों के माध्यम से एक बार फिर जीवंत होंगी। कल शनिवार को मांडव उत्सव का रंगारंग शुभारंभ होगा। जिले में रबी फसलों की बुआई का कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। इस साल जिले में सामान्य वर्षा से अधिक 1.5 गुना बारिश होने से और अच्छी ठंड गिरने से जिले में रबी की फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। जिले में इस साल लक्ष्य से अधिक बोनी की जा चुकी है। कृषि विभाग द्वारा 3,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक जिले में 4,01,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का कार्य पूरा हो चुका है और अब भी जिले में बोनी का कार्य कहीं कहीं जारी है। पिछले दिनों किसान दिवस पर धार के कृषि वैज्ञानिक केंद्र में केवीके और कृषि विभाग द्वारा कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने भागीदारी कर कृषि वैज्ञानिकों से बदलते मौसम के कारण खेती संबंधी समस्याओं का निराकरण पाया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से रूबरू करवाया और जैविक खेती, खरपतवार के नष्टीकरण, खाद के प्रयोग सहित अनेक जानकारियां दी गई। जिले में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में ज्ञापन और प्रदर्शन का दौर जारी है। पिछले दिनों धार राजवाड़े पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजनों ने भागीदारी की। सभा के बाद नगर दंडाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि नागरिकता संशोधन कानून में भ्रम फैलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चिकित्सा शिक्षा, आयुष, संस्कृति विभाग और धार जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधो एक पखवाड़े में 2 बार धार जिले के दौरे पर आईं। उन्होंने 48वें विजय दिवस के अवसर पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार में पहुंचकर सन 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भाग लेने वाले शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन भी किया। जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों धार जिला पत्रकार संघ द्वारा शब्द समागम 2019 का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश के पर्यटन और नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यसभा टीवी के पूर्व एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन डॉ. वरुण कपूर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सचिव संजय सिंह, धार महू लोकसभा क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री आदि ने सोशल मीडिया की भूमिका और कुप्रभाव, पत्रकारिता समाज के लिए महत्वपूर्ण आदि पत्रकारिता के विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे और जिले भर के लगभग 800 पत्रकारों को 5-5 लाख की बीमा पॉलिसी का वितरण भी किया। इस अवसर पर मंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लाने जा रही है। धार जिले में मानव अधिकार दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। आयोग द्वारा निर्धारित स्वच्छ पर्यावरण मानव अधिकार विषय पर धार में परिचर्चा आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा जिला और तहसील न्यायालयों में इस साल के अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिले में कुल 32 खंडपीठों का गठन कर बड़ी संख्या में लोक अदालत में आपसी राजीनामे द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया और पर्यावरण तथा हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पक्षकारों को फलदार पौधे भी वितरित किए गए। जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए 3 दिवसीय प्रतिभा पर्व का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत जिले के सभी 4,000 से अधिक शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में 100% बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए प्रथम 2 दिन परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जबकि अंतिम दिन बाल सभाओं का आयोजन हुआ। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।